देखो प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन यहीं से आएगा। पी फॉर प्रिलिम्स लगाइए, प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा, पी फॉर प्रिलिम्स हो गया। इफ द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स दैट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस शो वॉरेंट एंड इफ ईदर पार्टी टू द प्रोसीडिंग शो डिजायर्स, दो बातें हैं। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, केस ऐसा है, हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस शो वॉरेंट, जो केस के हालात है उनसे ऐसा लगता है, और कोई भी एक पार्टी ईदर पार्टी ऐसी इच्छा व्यक्त करती है, देन ही मे कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन कैमरा। बस इसको ध्यान रखिएगा। इसमें खास बात क्या है, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से आएगा, अंडर विच सेक्शन इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, वो है सेक्शन 16। लेकिन क्या सारी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होनी चाहिए? नहीं, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन में क्या है कि एक तो ईदर पार्टी सो डिजायर्स, कोई एक पार्टी कम से कम ऐसी इच्छा व्यक्त करे, नंबर वन, यानी कि ईदर पार्टी है, देखो बबुआ ये गोल कर लो, तो मान जाओ मेरा कहना, ये बोथ नहीं है, ईदर पार्टी सो डिजायर्स, यानी कि एक भी पार्टी अगर ऐसा करती है कि प्लीज कंडक्ट दीज प्रोसीडिंग्स इन कैमरा, तो फिर ऐसा हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर वो कह भी रही है पार्टी, लेकिन तब भी विजडम ऑफ द कोर्ट मजिस्ट्रेट देखा जाएगा। मजिस्ट्रेट इसको ग्रीन और ब्लू लाइन को पढ़ो अच्छी तरीके से, देखो ये रहा, इफ द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स क्या, दैट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सो वॉरेंट, केस के सर्कमस्टेंसेस ऐसा ऐसे हैं कि ऐसा होना चाहिए, देन ही मे कंडक्ट, मे है, शैल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है उसके, तो डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है, डिस्क्रेशन ऑफ द मजिस्ट्रेट है, और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द ईदर पार्टी है ऐसा करेंगे। तो ये होगा सेक्शन 16, कैमरा प्रोसीडिंग कौन सेक्शन में हो सकती है, सेक्शन 16 में हो सकती है।